तो परिवेश कहा को कहा जाए, व्हाट इज एनवायरनमेंट। देखो आम चारिपाखे जहाँ भी आमको देखा जाऊँगी सी हूँ आमर परिवेश। संस्कृत में कहा जाए अस्माकं परितः जह दृश्यते सह परिवेशः। आम चतुपार्श्वरे जहाँ जहाँ जिनस आमको देखा जाऊँगी सी हूँ आमर परिवेश अंतर्भुक्त। आम चतुपार्श्वरे जिनस गुड़िक मध्य केतेकंकर जीवन अच्छी आउ केतेकंकर जीवन नाही। जो मानकर जीवन अच्छी से मानकु कहा जाए सजीव, आउ जो मानकर जीवन नाही से मानकु कहा जाए निर्जीव। बुझीला जदि आम आम चतुपार्श्व को लक्ष्य करिबा आम देखिपर वृक्षलता जीवजंतु पशुपक्षी बुझीला कीटपतंग से भाया माटी पानी पवन आहुरी बहुत सारा जिनस अच्छी। तुम्हें जदि देख तुम चतुपार्श्व को किसी जिनस अच्छी जहाँकि प्रकृति द्वारा या कि जिनस अच्छी जहाँकि मनीष निजे याद बुझीला। एबे जदि तुम तुम चतुपार्श्व को लक्ष्य कर तुम्हें देखिपर बही खाता कागज पेन पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स मोबाइल बुझीला। मो पाखे अच्छे एटी गोटे व्हाइट बोर्ड आठी अच्छी गोटे मार्कर बुझीला बहुत सारा जिनस तुम्हें देखिपर ये सब जिनस आमर परिवेश अंतर्भुक्त अटंती बुझीला। तो परिवेश क्या कहा जाए ना आम चतुपार्श्वरे समस्त सजीव एवं निर्जीव मानक नहीं कि आमर परिवेश यही सब सजीव एवं निर्जीव परस्पर उपर निर्भरशील एवं परस्पर को प्रभावित करती। गोटे सजीव बंचापी सजीव उपर भी निर्भर करे आउ निर्जीव उपर भी निर्भर करे बुझीला। तो ये जो सजीव आउ निर्जीव अच्छा आम परिवेश परस्पर उपर निर्भरशील एवं परस्पर को प्रभावित करती बुझीला। तो परिवेश डेफिनेशन तुम्हें बुझीपाल आम पृथ्वी हूँ गोटे अद्वितीय ग्रह। दि आर्थ इज ए यूनिक प्लानेट। पृथ्वी को कहीं अद्वितीय ग्रह बोली कहा जाए कहीं पृथ्वी हूँ सौरजगतर एकमात्र ग्रह जोठारे कि जीवजगत सृष्टि हो पारी। केवल पृथ्वी से ही जीवजगतर सत्ता मिली अन्य कौन सी ग्रह से जीवजगत तिष्ठि रहिबार कौन सी चान्स नाही। वर्तमान पर्यंत आम जीवजगत पाइनु कौन सी ग्रह से पृथ्वी को छाड़देले। तो पृथ्वी को कहीं आम गोटे अद्वितीय ग्रह बोली कह कहीं पृथ्वी से जीवजगत अच्छी तेज जीवजगत कहीं अच्छी पृथ्वी से जीवजगत कहीं तिष्ठिकी रही पारी अन्य कौन सी ग्रह से कहीं जीवजगत ना। यार कारण तुम्हें मत कहीपर जे सर पृथ्वी से जल अच्छी पृथ्वी से प्रचुर जल अच्छी अन्य कौन सी ग्रह से जल ना। पृथ्वी से निजर वायुमंडल अच्छी अन्य कौन सी ग्रह से वायुमंडल ना। पृथ्वी को घेरिकी रही गोटे वायुर आस्तरण जहाँ कटमोस्फिययर वायुमंडल बोली कहुची बुझीला। पृथ्वी में अच्छी अश्ममंडल बुझीला भूत्वक अच्छी माटी अच्छी एठारे कठिन शिला अच्छी बुझीला पहाड़ पर्वत बुझीला पृथ्वी यह सब अच्छी जहाँकि जीवजगत सृष्टिपी अनुकूल अटे अन्य कौन सी ग्रह से एमती सिचुएसन नाही एमती परिवेश नाही बुझीला। तो वर्तमान आम देखा से जीवमंडल विषय पृथ्वी केमी जीवमंडल या जीवमंडल कहीपर जैवमंडल बोलीपर इंग्लीश में कहा जाए बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जीवमंडल को बुझा पूर्व आम को आउ तीन टा मंडल विषय बुझापी पड़ो बारिमंडल वहाँ जलमंडल बोली बारिमंडल को आम कहीपर जलमंडल वायुमंडल एवं अश्ममंडल। प्रथम आम बुझा बारिमंडल विषय पृथ्वी को जलीय ग्रह बोली कहा जाए कहीं ना पृथ्वी रे तुम्हें जदि देख पृथ्वी को जदि आम चारि भाग करदबा ताहले तीन भाग आमको केवल जल मिल बुझीला तीन भाग कौन मिल जल पृथ्वीर जदि 100% नवा पृथ्वी को 100% रु 71% हूँ आम जल 29% हूँ स्थल भाग। तो बेसी आम जल अच्छी कम अच्छे स्थल भाग बुझीला से पृथ्वी को कहा जाए जलीय ग्रह। तो बारिमंडल रे कौन कौन जिनस आसव पृथ्वीर जे जे जगार तुम सब पा देखु जल देखु सी आम बारिमंडल जलमंडल अंतर्भुक्त हम तुम्हें कह कौ जगार पा अच्छी कहले देखा पृथ्वीर कौ जगार पा अच्छी नदी ना केनाल ह्रद समुद्र सगर महासागर पोखरी गाड़िया ये सब जगह झरणा बुझीला ये सब हूँ बारिमंडल अंतर्भुक्त।
ए सबु जगार पानी अच्छी जो जो जगार पानी अच्छी सी हूँ वायुमंडल अंतर्भुक्त हे बुझीगला ना। आउ देख तुम जो मेरु अंचल ग्लेसीयर्स अच्छी सब ग्लेसीयर्स बुझिपार तो बरफर पहाड़ अच्छी कौन अच्छी बरफर पहाड़ तो आम जो जल अच्छी से बरफ हो जमा हो जा तो सी आम वायुमंडल अंतर्भुक्त हे बुझीगला। बर्तमान देखा वायुमंडल विषय वायुमंडल क्या कहुए ना पृथ्वी को घेरी रही वायुर आस्तरण को वायुमंडल बोली कहुए। पृथ्वी पृष्ठर प्रायत 640 किलोमीटर भितर वायुमंडल तुम्हें देखिपर है भूपृष्ठर जदि आम देखा प्रायत 640 किलोमीटर भितर अच्छे वायुमंडल पृथ्वी को घेरिकी रही गोटे वायुर आस्तरण बुझीला। एयर इज ए मिक्सचर वायु हेउची गोटे मिश्रण विभिन्न ग्यास्र वायु रे पाखापाखी 78% अच्छी नाइट्रोजेन पाखापाखी बुझीला। देख बही जो डेटा दी से भी एक्यूरेट नुहे बुझीला तुम्हें धरी नियो जे पाखापाखी 78% होची आमर नाइट्रोजेन अच्छी वायुमंडल 21% पाखापाखी 21% अच्छी आमर ऑक्सीजन 0.03% अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल गैस बाकी अन्यान्य गैस बहुत कम भाग अच्छी जमती कि तुम जलीय बाष्प आर्गन मिथेन हाइड्रोजेन हीलियम ये सब गैस भी वायुमंडल अच्छी किंतु बहुत कम परिमाण में अच्छी कार्बन मोनोक्साइड बुझेगा बहुत सारा गैस अच्छी आहरी किंतु ये सब गैस परिमाण वायु बहुत कम अच्छी सबुठ अधिक भाग अच्छे नाइट्रोजेन जबक्षार जान पखापाखी 78% है। तापर ऑक्सीजन अम्लजान परिमाण अच्छी पाखापाखी 21% आउ कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल परिमाण होउची वायुमंडल 0.03% ये तीन टा होउची हमर मुख्य उपादान वायुमंडल बुझीला। वायुमंडल बुझीला बर्तमान जीवा आम अश्ममंडल को अश्ममंडल क्या कहुए ना पृथ्वी पृष्ठ भूत्वक भूत्वक मान आर्थर क्रस्ट कहुची भूत्वक पृथ्वी उपरी भाग भूत्वक आउ कठिन शिला पहाड़ पर्वत बुझीला मालभूमि ये उपर भागटा होमर अश्ममंडल अंतर्भुक्त है। मृत्तिकार उपरी भाग को कहुची भूत्वक बोली कमें भूत्वक चलुचु तो अश्ममंडल तुम्हें बुझीपार कठिन शिला भूत्वक पहाड़ पर्वत ये सबको नहीं कि आम तैयारी अश्ममंडल ये जो तीन टा मंडल कहली ना एम समन्वय अच्छी आमरे समन्वय रक्षा होगा कारण पृथ्वी में जीवमंडल या बायोस्फीयर तैयारी बुझीला। वायुमंडल जलमंडल वायुमंडल एवं अश्ममंडल एम निर्भरशीलता अच्छी एम परस्पर को प्रभावित कराफल कि एमंर जो समष्टि स्थान वायुमंडल वायुमंडल आ अश्ममंडल समष्टि स्थान जीवमंडल तैयारी बुझीला। जीवमंडल आम कहीपर जैवमंडल बोली जीवमंडल क्या कहुए तुम्हें भावुव जीवमंडल मान हूँ जीव मानर समष्टि ठीक भावुच ठीक कथाटा ठीक किंतु संपूर्ण ठीक नुहे अधा ठीक बुझीला। जीवमंडल कहले खाली आम जीव मानर समष्टि को बुझा ना हला तबे जीवमंडल क्या कहुए जीवमंडल कहले आम पूरा जीवजगत आर परेश बुझा बुझीला समस्त जीवजगत आर परेश जीवमंडल जैवमंडल या बुझीला यो पूरा जीवजगत आमकर परेश जीवमंडल या जीवमंडल को आम समस्त परिसंस्था बोली कहीपर तबे जीवमंडल को कार्यकारी कराइबा शक्ति कौठू आसुची ना सूर्य ठारू बुझीला। तो जीवमंडल हेउची सौर शक्ति द्वारा परिचालित एवं आत्मनियंत्रित एक प्राकृतिक संस्था बुझीला। जीवमंडल कौन ना सौर शक्ति द्वारा परिचालित एवं आत्मनियंत्रित एक प्राकृतिक संस्था जीवमंडल को आम समस्त परिसंस्थार समष्टि बोलीपर अतएव जीवमंडल हेउची एक बृहत परिसंस्था बा सबुठारु बड़ परिसंस्था बुझीला। जीवमंडल हेउची जैव संगठन सर्वोच्च स्तर जैव संगठन सर्वोच्च स्तर कौन जीवमंडल जैवमंडल बायोस्फीयर बुझीला। चलो बर्तमान आम बुझा
जे परिसंस्था बा इकोसिस्टम कौन है थाए। देखो परिसंस्था बा इकोसिस्टम कहाँ को कहा जाए, गोटे निर्दिष्ट अंचल रे बास करुथिबा समस्त सजीव एवं निर्जीव मानंकु नेकि सेही अंचलर परिसंस्था बा इकोसिस्टम तयारी हेथाए। सजीव कहिले आमे उद्भिद प्राणी एवं अणुजीव को बुझिबा, आ निर्जीव कहिले आमे माटी पानी पवन भलिया तत्व को बुझिबा। बुझियला ए जो सजीव आ निर्जीव गोटे परिसंस्था रे अछंती, एमाने परस्पर को प्रभावित करंती, परस्पर उपरे इफेक्ट पकांती। बुझियला सजीव माने बंची रहिबा पई बा जीवन धारण करिया पई अन्य सजीव उपरे निर्भर करंती किंबा निर्जीव मानन को उपरे मध्य निर्भर करंती। निज जीवन क्रिया को संपादन करिबा पई आमे माने अन्य सजीव आ निर्जीव मानन को उपरे निर्भर करू, अतएव आमे हमर परिवेश उपरे निर्भर करू। अर्थात गोटे परिसंस्था रे सजीव आ निर्जीव माने परस्पर को प्रभावित करंती, परस्पर उपरे इफेक्ट पकांती। बुझियला ना, तो सेथिपाई परिसंस्था को आमे प्रकृतिर गाठनिक आउ क्रियात्मक एकक बोली मध्य कहि परिबा। तो परिसंस्था को कौन कह जाए, प्रकृतिर गाठनिक ओ क्रियात्मक एकक। प्रकृतिर गाठनिक आउ क्रियात्मक एकक कहाँ को कह जाए, परिसंस्था बा इकोसिस्टम को। बुझियला देखो आमर जो परिसंस्था अछि विभिन्न प्रकार परिसंस्था हेइ पारे। धरा जाऊ आमे गोटे जंगल परिसंस्था विषय रे कथा आबा। जंगल ले तो विभिन्न प्रकार प्राणी माने बास करंती, जंगल ले कौन केवल जीव अछंती निर्जीव नहांती, तो जंगल ले सजीव भी अछंती निर्जीव भी अछंती। बुझियला माटी पानी पवन ये सब कौन निर्जीव ना। बुझियला तो गोटे जंगल परिसंस्था रे कौन कौन जीव तुम्हें देखिया पई पाइब कहले, देखिबा गछलता पशुपक्षी बाघ भालू हाथी। बुझियला आहुरी बहुत सारा जीवजंतु पशुपक्षी एमानंकु तुम्हें जंगल परिसंस्था रे देखि परिबो। कीट पतंग सरीसृप बहुत सारा जीव अछंती जंगल परिसंस्था रे। एमाने परस्पर उपरे निर्भरशील खाद्य पई हो किंबा निजर जीवन धारण करिबा पई हेउ, एमाने अन्य सजीव मानंकु उपरे एवं निर्जीव मानंकु उपरे निर्भर करंती, आउ परस्पर को प्रभावित मध्य करंती, जहाँफल कि प्रकृति रे गोटे संतुलन बजाय रहे, गोटे सूक्ष्म संतुलन आउ समन्वय बजाय रहे। एहा को ही कहा जाए प्राकृतिक भारसाम्य बा परिवेश संतुलन बोली कहा जाए। बुझियला तो देखो परिसंस्था आमर विभिन्न प्रकार होई थाई पारे, जमती कि जंगल परिसंस्था तृणभूमि परिसंस्था। तृणभूमि परिसंस्था रे कौन थिबो, घास थिबो माटी थिबो। बुझियला वर्षा हेले पानी भी आसीब, वायु भी थाए से जगार, बेंग थिबो साप थिबो झिंटिका थिबो कीटपतंग थिबो बहुत सारा जीवजंतु आम तृणभूमि परिसंस्था रे पाई जिबा। बुझियला ना से भलिया मरुभूमि परिसंस्था रे तुम्हें कौन कौन जीव देखिया पई पाइबो मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकि जणाओ, जे मरुभूमि रे आम कौन कौन सब जीव देखिया पई पाइबा आउ कौन कौन सब निर्जीव अछंति मरुभूमि रे। मोट उपरे कह जे मरुभूमि परिसंस्था रे कौन कौन सजीव आउ निर्जीव आम देखिया पई पाइबा। बुझियला से भलिया देखो पुष्करिणी परिसंस्था, पुष्करिणी परिसंस्था रे आम कौन देखिया पई पाइबा, पानी तो थिबो, अरे पोखरी अछि माने कौन थिबो, सेठी पानी थिबो ना, पोखरी रे कौन थिबो पानी, आउ कौन थिबो से जगह रे, पानी भितरे कौन थिबे ना विभिन्न प्रकार जलचर जीव आउ उद्भिद माने भी थिबे अणुजीव माने भी थिबे। एमिबा आमे पोखरी पानी रे भी पाई परिबा एमिबा को। बुझियला ना माछ पाखरु आरंभ करी गेंडा कंकड़ा सामुका। बुझियला कईछ ये सबू जिनस आम पाई पोखरी परिसंस्थारु बा पुष्करिणी परिसंस्थारु, से भाया नदी परिसंस्था समुद्र परिसंस्था। बुझियला छोट छोट परिसंस्था भी अच्छी आ बहुत बड़ बड़ परिसंस्था भी अच्छी। सबुठारु बड़ परिसंस्था को आम कह जीवमंडल बायोस्फीयर। बुझियला परिसंस्था तुम्हें बुझीपाल कहार किसी असुविधा ना। देख ये जो परिसंस्था अच्छी ना या इंग्लीश में कहुए इकोसिस्टम, इंग्लीश में कौन कहुए इकोसिस्टम। आउ ये इकोसिस्टम शब्द को प्रथम 1935 मसीह जड़े परेशविद ना ए जी टांसले, ए जी टांसले बाहर करते हला। तो इकोसिस्टम शब्द को प्रथम किए व्यवहार करते प्रथम किए कॉइन करते ए जी टांसले के मसीह 1935 मसीह। बुझीला तो चलो ठीक अच्छे वर्तमान तुम्हें परिवेश विषय बुझीपार, परिसंस्था विषय बुझीपार। बर्तमान आम बुझा जे परिसंस्थार गाठनिक उपादान गुड़िक कौन, बर्तमान देखा परिसंस्थार गाठनिक उपादान बा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम विषय।
परिसंस्थार गाठनिक उपादान कौन होता परिसंस्थार गाठनिक उपादान माने परिसंस्था को गठन करुवा उपादान केऊ केऊ उपादान द्वारा परिसंस्था तयारी हेछि बा परिसंस्था गठन हेछि बुझेला तबे परिसंस्थार गाठनिक उपादान को आमे दुई भागरे विभक्त करि परिबा केते भागरे विभक्त करि परिबा दुई भागरे विभक्त करि परिबा जथा जैविक उपादान एवं अजैविक उपादान बुझेला तो परिसंस्थार गाठनिक उपादान को आमे मात्र दुई भागरे विभक्त करिबा जथा जैविक उपादान एवं अजैविक उपादान अजैविक उपादान जैविक उपादान को इंग्लिश रे कहा जाए बायोटिक कंपोनेंट्स अजैविक उपादान को इंग्लिश रे कहा जाए एबायोटिक कंपोनेंट्स बुझेला बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जैविक उपादान पुणी तीन प्रकार जैविक उपादान को आम तीन भाग में विभक्त करथा उत्पादक प्रड्यूसर भक्षक कंज्यूमर एवं तृतीय अपघटक डिकम्पोजर रिड्यूसर बोली आम कहीपर प्रड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर ये हेले आमर परिसंस्थार जैविक उपादान एबे देखिबा परिसंस्थार अजैविक उपादान परिसंस्थार अजैविक उपादान को मध्य आमे तीन भाग रे विभक्त करि परिबा केते भाग रे विभक्त करि परिबा तीन भाग रे विभक्त करि परिबा प्रथमे हेउचि जलवायु एवं एहाकु प्रभावित करुथिबा कारक जलवायु एवं एहाकु प्रभावित करुथिबा कारक जलवायु एवं एहाकु प्रभावित करुथिबा कारक तो जलवायु को प्रभावित करुथिबा कारक गुड़िक कौन कौन ना आलोक बा लाइट तापमात्रा बा टेम्परेचर एवं आर्द्रता बा ह्यूमिडिटी बुझेला अजैविक उपादान माने जेउ उपादान गुड़िकर जीवन नाही जदि उपादान गुड़िकर जीवन अछि ताहाले ताकु आमे कहिबा जैविक उपादान बुझेला तो प्रथमे आमे देखिले अजैविक उपादान रे जलवायु एवं एहाकु प्रभावित करुथिबा कारक जलवायु को प्रभावित करुथिबा कारक गुड़िक हेउचंती आलोक तापमात्रा एवं आर्द्रता बुझेला द्वितीय रे देखो अजैविक उपादान आसीब पोषक चक्र रे भाग नेउथिबा एलिमेंट्स बा मौलिक गुड़िक बुझेला पोषक चक्र रे भाग नेउथिबा विभिन्न अजैविक उपादान मौलिक एवं जौगिक पोषक चक्र विषय आम आग को आलोचना करिबा पोषक चक्र रे आम तीनोटे जिनस विषय पढ़ा मुख्यतः अम्लजान चक्र अंगारक चक्र एवं जबक्षार जान चक्र यनिटा विषय आम आग को आलोचना करिबा तो पोषक चक्र रे केउ केउ मौलिक आउ जौगिक भाग नियंती बा केउ केउ उपादान भाग नियंती सेगुडी को हैला वाटर बा जल नाइट्रोजेन बा जबक्षार जान अंगारक बा कार्बन सल्फर बा गंधक एवं फस्फरस एही सब उपादान पोषक चक्र रे भाग नेउथिबा अजैविक उपादान अटंती बुझेला पुष्टिसार स्नेह सार एवं श्वेत सार बुझेला तुम्हें वर्तमान पचार सर पुष्टिसार स्नेह सार आ श्वेत सार ए सब तो जैविक उपादान हवा कथा ना कहीं एगुड़ी जीव शरीर तैयारी हमें जीव शरीर को आवश्यक पुष्टिसार स्नेह सार आ श्वेत सार तेब एगुड़ी कहीं आम अजैविक उपादान भितर रखा
देख तुम ठीक भावुच पुष्टिसार स्नेहसार आ श्वेतसार एसबू होती जैविक उपादान किंतु एगुड़िक जैविक एवं अजैविक उपादान मध्य संजोग स्थापन करती जमीक श्वेतसार ग्लुकोज संकेत हो C6H12O6 तो ये कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को लेकिन यानी से बड़े पुष्टिसार आम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन को लेकिन यानी बुझीला ना तो एगुड़िक कौन करुँच जैविक उपादान एवं अजैविक उपादान गुड़िकर संजोग स्थापन करुँचला तुम्हें बुझीगल अजैविक उपादान विषय बुझीगल भलसे अजैविक उपादान को आम बहुत भल भाव आलोचना कर सारूँ बर्तमान आम देखा जैविक उपादान बायोटिक कंपोनेंट्स विषय जैविक उपादान विषय आम तीनो जिनस पढ़ा उत्पादक भक्षक एवं अपघटक प्रथम आम देखा उत्पादक विषय उत्पादक बा प्रोड्यूसर उत्पादक क्या कहुए जीए उत्पन्न करे जीए तैयारी करे तो निज खाद्य निजे तैयारी किए करमी केवल गोटे मात्र जीव अच्छे से हूँ सबुज उद्भिद बुझीला घास हेउ नीलहरित शैवाल हेउ किंबा जे कोनोसी सबुज उद्भिद हेउ जहार कि क्लोरोफिल अछि क्लोरोफिल बुझि पारछो तो सबुज कणा अछि से कोन करिबो ना दिन बेले सूर्य किरण को व्यवहार करिकि वायुमंडल रु अंगारकाम्ल एवं माटी तळु जल ग्रहण करिकि सेगुडीकर संजोग घटेकि सूर्यर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिणत करिबो एवं शर्करा जातीय खाद्य बा श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिबो यही पूरा प्रक्रिया को कहुए आलोक श्लेषण प्रक्रिया बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उद्भिद कौन करे ना आलोक श्लेषण प्रक्रिय निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे से उद्भिद को स्वभोजी स्वपोषी बोली कहुए बुझेगा उद्भिद होटोट्रॉप स्वभोजी तो उत्पादक किए केवल सबुज उद्भिद सबुज उद्भिद सबुज उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें काहिंकि काहिंकि ना तार सबुज कणा अच्छी जहाँकि सूर्यर आलोक शक्ति को निज भितर रासायनिक शक्ति रे परिणत करे आउ श्वेतसार जातीय खाद्य बा शर्करा जातीय खाद्य को प्रस्तुत करे बुझीला से उत्पादक को आम कहीपर स्वभोजी बोली स्वभोजी बा ऑटोट्रॉप्स उत्पादक कौन करे ना समग्र जीवजगत पाई खाद्य तैयारी करे बुझीला आउ बाकी जेतिक भी प्राणी अछंती आ बाकी समस्त प्राणी खाद्य पाई प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावरे ए उत्पादक बा स्वभोजी प्राणी मानों को उपरे निर्भर करती सबुज उद्भिद उपरे निर्भर करती बुझीला ए विषय आम पूर्वरु मध्य आलोचना कर सारु पोषण विषय पोषण अध्याय जितेबले आम पढ़ी सबुज उद्भिदर आलोक श्लेषण प्रक्रिया से विषय आम पढ़ी सारि स्वभोजी आरभोजी जितेबले आम आलोचना करूँ चलो बर्तमान देखा भक्षक जैविक उपादान द्वितीय भाग हेउची भक्षक भक्षक माने कंज्यूमर जे भक्षण करे बुझीला भक्षक मानकर मध्य स्तर अछि उत्पादक को जे खाइबो से हबो प्राथमिक भक्षक पुणी सही प्राणी को जे खाइबो माने तृणभोजी प्राणी को जे खाइबो से हबो द्वितीयक भक्षक बुझीला तापरे से प्राणी को जे खाइबो से हबो तृतीयक भक्षक एही परि भाबरे जे शेष प्राणी को खाइबो से हेइजबो शीर्ष भक्षक बुझीला ना गोटे एग्जाम्पल मध्यम बुझाप चेष्टा करवा जमीक देख घास घास को खाऊँ झिंटिका झिंटिका को खाऊँ बेंग बेंग को खाऊँ साप साप को चिल खाई दिए बुझीला तो बर्तमान एटारे उत्पादक किए उत्पादक हो सबुज उद्भिद बा घास है प्रड्यूसर किए घास एवं घास को किए खाऊँ झिंटिका झिंटिका हेउची प्राथमिक भक्षक बा प्राइमरी कंज्यूमर बुझीला झिंटिका को खाऊची बेंग बेंग हेउची द्वितीयक भक्षक बा सेकेंडरी कंज्यूमर बुझीला बेंग को खाऊची साप साप हेउची एटारे तृतीयक भक्षक बा टर्सियरी कंज्यूमर बुझीला साप को खाऊची चिल चिल हेउची एटारे शीर्ष भक्षक बुझीला चिल किए शीर्ष भक्षक चिल को आउ कही खाइबे ना से सबुठ उपरे रहिला शीर्ष भक्षक बुझीला भक्षक बुझीपाल ना बुझीपाली उत्पादक को किए खाइब प्राथमिक भक्षक प्राथमिक भक्षक को खाइब द्वितीयक भक्षक द्वितीयक भक्षक को खाइब तृतीयक भक्षक बुझीला एमती क्रम जदि आम बढ़ी जा शेष जीव को आम कौन कह जे पूरा शेष रहिबो ताकु आमे कहिबा शीर्ष भक्षक
जमीक आम एटार चिल को कहले शीर्ष भक्षक से भाया देख घास को हरिण खाऊ हरिण को बाघ खाऊ तो एठारे घास हेउची उत्पादक हरिण हेउची प्राथमिक भक्षक एवं बाघ हेउची द्वितीयक भक्षक बाघ को आउ के खाइबे नाही तेणु एठारे द्वितीयक भक्षक हेगला शीर्ष भक्षक बुझीगला ना चलो ठीक अछि भक्षक बुझी पारलो भक्षक रे आमे कोन देखिलु ना उत्पादक को जे खाउची से हेउची तृणभोजी तृणभोजी उत्पादक को जे खाउची से के तृणभोजी तृणभोजी को जे खाऊ से मांसाशी बुझीला एवं एमती किसी प्राणी अच्छा जे मैंने उभय तृणभोजी एवं मांसाशी अर्थात जे मैंने सबुज उद्भिद को भी खाती एवं मांस भी खाती तृणभोजी प्राणी मानकर मांस भी खाती से सर्वभोजी बोली कहुए कौन कहुए से सर्वभोजी जमीक मनीष मनीष मांस भी खाए एवं तृण भी खाए बुझीला माने सबुज उद्भिद को भी खाए आ सहित तो मांस भी खाए तेणु मनीष हो सर्वभोजी बुझीला तृणभोजी माने कौन तृणभोजी होती प्राथमिक भक्षक मानक तृणभोजी बोली कहुए माने जे सबुज उद्भिद खाए सी है तृणभोजी जमीक गाई गोरु छेली मेढ़ा हाथी हरिण ठेकुआ एसबू होती तृणभोजी प्राणी बुझीला मांसाशी प्राणी जे माने तृणभोजी मानक खाती से मांसाशी प्राणी बोली कहुए आम भी क्रम अच्छी बुझीला जी डायरेक्ट तृणभोजी को खाला सी है मांसाशी क्रम वन जी डायरेक्ट तृणभोजी को खाला से कौन होगा मांसाशी क्रम वन आए मांसाशी क्रम वन को खाला सी है मांसाशी क्रम टू आए मांसाशी क्रम टू को खाला सी है मांसाशी क्रम थ्री बुझीला जेमिति गोटे घास पड़िया परिसंस्था रे घास को खाऊ झिंटिका झिंटिका को खाऊ बेंग बेंग को खाऊ साप साप को खाऊ चिल यही कथा को तुम्हें विचार कर वर्तमान आम देखु जे उत्पादक हेउची घास एवं तृणभोजी हेउची एठारे झिंटिका झिंटिका को खाऊ बेंग बेंग हूँ एठारे मांसाशी क्रम वन बुझीला बेंग को खाऊ साप साप हूँ एठारे मांसाशी क्रम टू साप को खाऊ चिल चिल हूँ एठारे मांसाशी क्रम थ्री बुझीला चलो वर्तमान आम देखा अपघटक विषय अपघटक को इंग्लीश रे कहा जाए डीकंपोजर बा रिड्यूसर्स बुझीला एमाने होउचंती अणुजीव श्रेणी एमाने कौन करती ना मृत प्राणी किंबा उद्भिद पाखरु खाद्य ग्रहण करती बुझीला मृत प्राणी एवं उद्भिद को अपघटित करी से मानकर मौलिक उपादान को वायुमंडल को छाड़ी दिंती एवं माटी रे मिसे दिंती जेमिति कि धरा जाऊ गोटे बाघ मरीगला एबे बाघ को किए अपघटित करिवो बाघ शरीर को किए खाइबो नाही अपघटक माने अपघटक माने कौन करिवे ना बाघ शरीर जेतिकि भी मौलिक उपादान अछि ताकु माटी रे मिसे देबे किंबा वायुमंडल को फेरै देबे जेमिति बाघ ऑक्सीजन नउथला अम्लजान नउथला अम्लजान को वायुमंडल को फेरै देबे जदि ता शरीर भितरे नाइट्रोजन थिबो ताले ताकु वायुमंडल को फेरै देबे सेहि भेला जदि विभिन्न प्रकार रो पोषक पदार्थ थिबो बाघ शरीर भितरे ताकु से माने माटी रे मिसे देबे बुझियला तो अपघटक रो काम हेउचे एया से कोन करिवो ना मृत हे जेतिबा उद्भिद किंबा प्राणी मानक शरीर को अपघटित करिवो एवं से मानक शरीर रे थिबा मौलिक उपादान को माटी रे मिसे देबो किंबा वायुमंडल को छाड़ी देबो बुझीला केतेक अपघटक मानकर उदाहरण हेउची बैक्टेरिया बा बीजाणु कवक एवं आदि प्राणी बैक्टेरिया कवक एवं आदि प्राणी हेउचंती केतेक अपघटक उदाहरण एमाने कोन करंती ना अपघटित करंती मृत प्राणी एवं उद्भिद मानकर शरीर को बुझीला तो चलो एथि सहित आमे परिसंस्थार गाठनिक उपादान विषय रे बहुत भल भाव आलोचना कर सारलु वर्तमान आम नेक्स्ट क्लास रे परिसंस्थार क्रियात्मक दिग विषय रे आलोचना करिबा तो आज क्लास को आम यही रखा धन्यवाद।